अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर मेकिंग समोसास। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर लिया। नाउ आई एम गोना सीजन इट विद सॉल्ट एंड पेपर। काली मिर्च और नमक से आप उसको सीजन कर लें। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को मिंस कर लें और या क्रश कर लें तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी फॉर 20 मिनट्स। आप इसे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, रियली डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पर आफ्टर बटर, 3 टेबल स्पून बटर मैंने लिया है और बटर को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा बटर जो है वो जले ना। वंस माई बटर इज़ नाइस एंड मेल्टेड, मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज अनियन को चॉप करके वो डाल दिया है जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारे अनियन ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, इसको हमें ब्राउन नहीं करना। और इसको बस हम थोड़े से हाई फ्लेम पे सोते करेंगे फॉर 1 मिनट। अच्छा, वंस माई अनियंस आर नाइस एंड ट्रांसलूसेंट, उसके अंदर मैंने अपने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया और इसको मैं हाई फ्लेम पे सोते कर रही हूँ, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। इसको आपने उस लॉन्च पे नहीं छोड़ना, बस हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो आपका चिकन अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया था और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे 5 ग्रीन चिलीज़ दे वर नॉट स्पाइसी एट ऑल। अगर आपके पास स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन चिलीज़ बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी तो मैंने इसमें 5 डाल दी, बस हल्का सा फ्लेवर आ गया था और मेरी फीलिंग बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अब फ्लेवर्स को थोड़ा और एम्प अप करने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया। 1 चिकन क्यूब मैंने ले ली थी। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दें। आप सोच रहे होंगे चिकन में चिकन पाउडर या चिकन क्यूब क्यों, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एंड इट्स अ गेम चेंजर गाइस, यू हैव टू ट्राई दिस। नाउ आई एम गोना ऐड सोया सॉस, मैंने अंदाजे से डाली थी 2 टेबल स्पून के करीब, एंड देन सम चिली सॉस। आप हॉट सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सराचा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। ये तो फीलिंग परफेक्ट थी फॉर रमज़ान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सॉस जो है काफ़ी सॉसी हो गई है और चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है। तो हमने अभी क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस पानी को ड्राई आउट करना है। तो हाई फ्लेम ही थी मेरी। अब मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया अराउंड 1 टीस्पून। अच्छा, मेरे चिकन पीसेस थोड़े से बड़े थे तो मैं उनको हल्का सा मैश कर रही हूँ, बिल्कुल कीमा नहीं बनाना बट मैं उनको हल्का सा मैश कर रही हूँ ताकि वो समोसे में जब हम भरें तो वो इतने बड़े बड़े चंक्स ना लगें। तो आप कोई सा भी टूल यूज़ कर लें, उसको मैश कर लें और यहाँ पर दे आर प्रीटी मच डन। तो जब ये मैश हो गए तो मैं इनको हल्का सा थोड़ा सा और सोते करें कि और कोई रिमेनिंग सॉस है तो उसको मैं ड्राई आउट कर लूँ। यहाँ पर आफ्टर कॉटेज चीज़ विच इज़ पनीर, मैंने घर में बनाया था, बहुत ईजी है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो मैंने इसमें बस दूध लिया था, उसको बॉयल किया और बॉयलिंग मिल्क में आपने लेमन जूस या विनेगर ऐड कर लिया। तो जब आपका दूध फट जाएगा तो आपने उसको छान लेना है, तो आपका जो कर्ड है और जो वे है वो सेपरेट हो जाएगा। जो कर्ड है उसको आपने हैंग करके रखना तो आपकी कोटी चीज़ तैयार हो जाती है। यहाँ पर फिलिंग इज़ डन, इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। ये वो पट्टियाँ जो कि मैंने घर में बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये रेडीमेड पट्टियाँ हैं। तो मैं दोनों से आज आपको समोसे बनाना सिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने लई बना ली है, फ्लावर यानी मैदा लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह से पेस्ट बना लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर आपके पास आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप एक एग ले तो उससे बना। अच्छा, समोसा उसको फिल कैसे करना है बहुत इजी, आप देखते हैं किस तरह से। मैंने एक हाफ ट्राइंगल पहले फोल्ड इन किया और उसके बाद उसकी कोन बनाई है, ये इस तरह से कोन बन गई है। और अब मैं आपको बताऊँगी इसको सील कहाँ कहाँ से करना है। जब आपने हाफ ट्राइंगल बनाया वहाँ पर थोड़ी सी लई लगानी है
और उसको हमने फोल्ड इन करना है, इस तरह से फोल्ड इन करना है कि टाइट कोन बने और कहीं से भी कोई सुराख नहीं होना चाहिए, यहाँ से ऊपर से बिल्कुल सुराख नहीं होना चाहिए। यह आपने मेक श्योर करना है कि कोन बहुत टाइट बने और कहीं से भी कोई सुराख नहीं होना चाहिए, वरना जब आप उसकी फिलिंग करेंगे और जब आपके समोसास तैयार हो जाएंगे और फिर आप जब इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल सारा का सारा अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हम जस्ट स्टफिंग इट, तो इसको स्टफ़ करें अपनी फिलिंग से। आप कोई और फिलिंग भी बना सकते हैं, बट दिस इज़ आर फेवरेट फीलिंग, सो मैंने आपके साथ शेयर की। आई लव इट। रमज़ान के लिए तो परफेक्ट है, कॉटेज चीज़ है, इट्स हेल्थी एज वेल। अच्छा, यहाँ पर हम जस्ट करना सील इट और यहाँ पर समोसा इज रेडी, यू कैन सी इट। अच्छा, मैं थोड़ा आपको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर एरो है आपने इतनी स्पेस छोड़नी है जब आप इसका हाफ ट्राइंगल बनाएंगे, ना इसको बाहर निकालना है ना ही इसके साथ जोड़ना है, आपने हाफ सेंटीमीटर की स्पेस लाजमी छोड़नी है। उसके बाद वही आपने लई लगाई और उसकी टाइट कोन बनाई, कहीं से भी इसकी जो एजेस हैं वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए, उसमें होल्स नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, अच्छे से सील्ड इन होने चाहिए। जब आप यहाँ पर भी इसको जब फोल्ड इन करें, इसका जो थर्ड एज है वो भी अच्छे से सील्ड इन होना चाहिए। यहाँ पर समोसा आर रेडी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वो पट्टियाँ हैं जो कि मैंने बाज़ार से ली थी, और ये आप किस तरह से फोल्ड इन करेंगे देखें। वहाँ पर मैंने हाफ सेंटीमीटर अंदर की तरफ रखा, उसको बाहर नहीं निकाला। यहाँ पर आपने अराउंड 1 सेंटीमीटर बाहर निकालना है और फिर इसकी कोन बनानी है टाइट। वही बात है, ऊपर से आपने ध्यान रखना है कि कहीं से भी किसी कोने से भी कोई छोटा सा सुराख भी नहीं होना चाहिए, तो जो आपकी कोन है वो थोड़ी सी टाइट रखनी है। और जो सेकंड तरीका है विच इज़ माय फेवरेट और बहुत आसान है, वो इस तरह से आप देख लें, आपने कोने को जो है आपका जो उसको बाहर नहीं निकालना, जो आपका एज है उसको आपने स्ट्रेट उस पट्टी पे रखना है, लेकिन इन एंगुलर पोजीशन, नीचे की तरफ उसका एंगल बन रहा है, उससे पहले ऊपर की तरफ एंगल बन रहा था। वही आपने लई लगाई, उसकी कोन बनाई, आपने स्टफिंग की और आपने इसको बंद कर दिया। दिस इज़ वेरी इजी टू, मैंने सब समोसास इसी तरीके से बनाए थे। आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड को अडॉप्ट कर लें और बना लें समोसास, तो देखें कितना आसान है। इसी तरीके से मैंने तमाम समोसास को रेडी कर लिया था, आप देख सकते हैं दे वर अ लॉट। और इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ये वो समोसास है जो मैंने होममेड शीट से बनाए थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, और ये जो है वो रेडीमेड शीट्स से मैंने बनाए थे और ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं। इनको फ्रीज़ करने का तरीका कि आपने पूरा फैला लेना है ट्रे पे और इनको फ्रीज़ कर लेना, जब फ्रीज़ हो जाएंगे जिपलॉक बैग में आपने इसको डाल के स्टोर कर लेना है। और ये वो समोसास हैं जो कि होममेड शीट्स के थे, जो थोड़े बड़े साइज़ के थे, इनको मैंने फ्राई किया है और मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वो रियली क्रंची एंड द फिलिंग वाज आउटस्टैंडिंग, फुल ऑफ फ्लेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।